आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई रेसिपी, जो सारी मिठाई को टक्कर देने वाली है। इतनी जबरदस्त ये बनके तैयार होने वाली है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे हमने बिना गैस जलाए झटपट से बना दिया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना। आधे कप हमने यहाँ पे चीनी ली है, साथ में दो इलायची डाली है। आप यहाँ पे इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 से 4 काजू लिए हैं, वो भी डाले हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर आप डालेंगे तो मिठाई का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने सारी चीज़ें डाली और साथ में डाला 1 कप ड्राई कोकोनट। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है और इस बर्तन में मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर देखिए इजी तरीके से सारी चीज़ें निकल आई हैं और एकदम महीन पीस के तैयार हुई हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये पाउडर बनके तैयार हुआ है, मैं इसे आपको दिखा रही हूँ पास से। जब चीनी के साथ ड्राई कोकोनट पीसेंगे तो और भी ज़्यादा महीन हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। और इसे मैंने डाल दिया है, इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तभी हम इससे मिठाई बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा मिक्स कर दिया है और ये अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हमें चाहिए दूध। दूध यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं दूध डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये डो हमें टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, नहीं तो ये डो गीला हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से गूंथ के तैयार करेंगे। यहाँ पे इसमें 1/2 कप से भी कम दूध लगा है और ये डो बन के तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस तरह से डो ये लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इस डो के 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग करने से हमारी मिठाई जो शानदार सी है, 2 कलर की, वो बनके तैयार होगी। यहाँ पर आप देखें इस तरह से 2 जगह इसे डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 भाग हम साइड रख लेंगे और दूसरे भाग में हम येलो कलर मिलाएंगे। कलर की जगह आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो कलर हम डाले हैं इससे हमारी 2 कलर की मिठाई बनेगी, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जो ये डो है इसे एक सा कर लेंगे, कुछ इस तरह से। एक सा करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी हमें इसकी लोइयां तैयार करनी है। लोइयों को हमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, जितना नींबू होता है ठीक उसी साइज की ये लोइयां हम तोड़ के तैयार करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ये मसल के पहले मैंने चिकना कर लिया है और फिर इसकी लोइयां तोड़ना शुरू कर दिया है, कुछ इस तरह से, जितना नींबू होता उसी साइज की। और ये इस डो से ना 5 लोइयां तैयार हुई हैं इस तरह से। और अब हम इन्हें गोल कर लेंगे, कुछ इस तरह से, बस इस तरह से गोल करना है और बस इस तरह से रखते जाना है। तो सारे इस तरह से हम गोल कर लेंगे। आप देखेंगे कि बिना गैस जलाए 2 कलर की आपकी स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इस इन गोलों को साइड रख देते हैं और जो वाइट वाला पार्ट है उसे ले लेते हैं। उसे भी हाथों से एक बार आप मसल लीजिए और इसके भी 5 इस तरह से गोले बना लीजिए जैसे अभी बनाए हैं। और बस इस तरह से देखें 5 जगह मैंने बांट लिया। अब इसके गोले बना देंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई सेट हो जाएगी। तो देखें सारे गोले इस तरह से बना लिए हैं। तो आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं रक्षाबंधन पर। बहुत ही इजी मिठाई है और कम समय में बन जाती है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है। तो देखें अब सारे हमने गोले इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें साइड रख देंगे और एक बेलन लेंगे। बेलन की सहायता से हम इन्हें बेल कर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने बेलन हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो कुछ इस तरह से मैंने मोटे साइज का ही रखा है। और जो पीला वाला भाग है इसके अंदर गोला रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे।
अच्छे से कवर करने के बाद अब हम इसे चिकना भी कर देते हैं हाथों से इस तरह से घुमा घुमा कर। अब ये चिकना भी हो गया है और हल्का सा मैंने दबा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह से उठा सा है। और बस इस तरह से हमें कर देना है और बाकी के भी इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप बेलन से नहीं बेलना चाहते तो इस तरह से हाथों से भी इसे फैलाया जा सकता है। कुछ इस तरह से हाथों से फैला दीजिए और फिर जो स्टफिंग है वो इसके अंदर इस तरह से भर दीजिए और इसे भी अच्छे से चिकना कर दीजिए। देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये कवर हो गया है और चिकना भी हो गया है। तो बस सारे इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हमारी सारी मिठाई कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। लेकिन इस मिठाई में अगर आप चांदी का वर्क लगा देंगे तो इस मिठाई में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। तो देखिए मैंने लगा दिया है हल्का हल्का चांदी का वर्क इसके ऊपर से। अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे सजा सकते हैं और बस बीच से कट कर लीजिए। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखे चौकोर कुछ इस तरह से इसके पीसेस कट किए हैं और बहुत ही इजी तरीके से ये कट हो रहे हैं और सेट भी हो गई है। थोड़ी देर बस आपको बनाकर मिठाई को इसी तरह से छोड़ना है पंखे की हवा में और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे देखें कुछ बड़े पीस रखे हैं, कुछ छोटे। आप चाहो तो लड्डू वाली कटोरी में इसे सजा भी सकते हो। और बहुत ही सुंदर बढ़िया मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है कम समय में। देखें एकदम शानदार लग रही है, बिल्कुल चमचम के जैसे। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी मिठाई की रेसिपी।